मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेफ किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहां पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहां जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे, उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की, वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहाँ पर जली हैं। मीडिया कर्मियों को वहाँ चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो है उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर, एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का, शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे, जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और हम आपको ब्रीफ करते रहे। मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेफ किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहां पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहां जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे, उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की, वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहां पर जली हैं। मीडिया कर्मियों को वहां चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो है उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर, एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का, शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे, जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और हम आपको ब्रीफ करते रहे। मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेफ किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहां जो फर्नीचर है, वहां जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहां पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहां जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे, उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की, वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहां पर जली हैं। मीडिया कर्मियों को वहां चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी
पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो है उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं सभी परिसंपत्तियों का, शाम को फिर ब्रीफिंग करेंगे, जो भी अपडेट शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे।